हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोडक्शन। डेट है आज 29 अक्टूबर 2022। तो फ्रेंड्स, आज हम चार्ट ऑफ द मंथ के स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, चार्ट ऑफ द मंथ में हम जितने भी स्टॉक्स होते हैं उन्हें हम मंथली चार्ट को देखकर एनालाइज करते हैं और उस पर एक मूविंग एवरेज प्लॉट किया जाता है जो कि ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के लिए फॉलो करते हैं, जो कि 12 पीरियड मूविंग एवरेज होता है। फ्रेंड्स, ये 12 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज होता है। तो फ्रेंड्स, चार्ट ऑफ द मंथ का पहला शेयर है हमारा एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एस, जो फ्रेंड्स क्रेन बनाते हैं, जो आपने देखी भी होगी, जो कंस्ट्रक्शन के काम में यूज में आती है। तो फ्रेंड्स, ये थे इसके 2018 के जो हाईस थे, 180 रुपये के आसपास का प्राइस था। उसके बाद प्राइस में लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए प्राइस नीचे आया और इसने ये लोअर लगाए फ्रेंड्स 30 रुपीस तक के। वहाँ से प्राइस में रिवर्सल स्टार्ट हुआ, प्राइस में रिवर्सल आना स्टार्ट हुआ। फ्रेंड्स, फ्रेश ब्रेकआउट हुआ, ये लेवल थे 85 रुपीज़ के आसपास के, हमने यहीं पे बाय किया फ्रेंड्स ये। उसके बाद देखिए कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में ब्रेकआउट हुआ था ये फ्रेंड्स। फिर देखिए कंटिन्यू हायर बॉटम से बनते हुए प्राइस ऊपर गया और फ्रेंड्स इसने अपने 2018 के जो हाइज थे उनको भी ब्रेक करके ऊपर निकल गया प्राइस। देखिए ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में ब्रेकआउट हुआ था, नीचे वॉल्यूम भी आया था फ्रेंड्स। उसके बाद इसने हाइज लगाए थे 290 रुपीज़ तक के। उसके बाद इसमें प्राइस में आया करेक्शन में फ्रेंड्स, जिसका लास्ट 2018 के हाइज थे वहीं पर आके प्राइस ने सपोर्ट लिया। ये प्राइस यहीं पर आके सपोर्ट ले रहा है, देखिए ये प्राइस यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेकर वापस से प्राइस रिवर्स किया, धीरे धीरे वॉल्यूम बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ फ्रेंड्स ये देखिए। और लास्ट वाले हाई ब्रेक हुए, ये वाला जो लो, ये लास्ट वाले जो हाइज थे फ्रेंड्स ये ब्रेक हुए, हमने अगेन रिकमेंडेशन दी फ्रेंड्स, अगेन ऐड कराया इसके अंदर। फ्रेंड्स, हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक है ये वैसे भी। और अब फ्रेंड्स देखिए, हम इसे चार्ट ऑफ द मंथ में लेकर आए हैं इसी स्टॉक को, क्योंकि फ्रेंड्स इसने लास्ट वाले जो हाइज थे उनको ब्रेक करके ऊपर निकल चुका है। देखिए ब्रेक करके ऊपर निकल चुका है प्राइस, ऊपर क्लोजिंग भी दे रहा है फ्रेंड्स। नीचे वॉल्यूम देखिए कितनी अच्छी तरह से बिल्डअप हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो इसमें स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा, अब ये स्टॉप लॉस रहेगा ये 230 रुपीज़ के आसपास हम स्टॉप लॉस रखेंगे अपना। और हमारे जो टारगेट रहेंगे फ्रेंड्स, वो टारगेट हमने हाई टू लो फिबोनाची डाला है यहाँ पे। और हमारे टारगेट पहला ये 400 रुपये, उसके बाद 480 रुपये, और उसके बाद के जो होंगे 540 रुपये तक के होंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये हमारा चार्ट ऑफ द मंथ का पहला शेयर है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, चार्ट ऑफ द मंथ का दूसरा शेयर देखते हैं, जिसका नाम है अरविंद फैशन लिमिटेड। देखिए फ्रेंड्स, ये थे इसके 2019 के जो हाइज थे, उसके बाद से कंटिन्यू प्राइस नीचे गया फ्रेंड्स, नीचे गिरता रहा। ये हाइज फ्रेंड्स 790 रुपये के आसपास का प्राइस था, 800 रुपये के आसपास का, और ये 2020 में आके बॉटम लगाया। बॉटम के बाद देखिए फ्रेंड्स, कितने लंबे समय से इसी रेंज के अंदर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था। देखिए ये रेंज थी इसके अप्रैल 2020 से और ये है जून 2021 तक। उसके बाद यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट आया फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ फ्रेंड्स। पहली क्वांटिटी हमने यहाँ पे ऐड की थी इसके अंदर, हमारे पोर्टफोलियो में यहाँ पे था फ्रेंड्स ये। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसने बहुत अच्छा रनअप किया। अप करने के बाद ये रेजिस्टेंस जोन था फ्रेंड्स, 325 रुपये के आसपास का प्राइस था, वहाँ पे आके रेजिस्टेंस लिया। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पे आके प्राइस ने सपोर्ट लिया 250 रुपये के आसपास, और एक राउंडिंग बॉटम बनाते हुए फ्रेश ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे। एक राउंडिंग बॉटम बनाते हुए फ्रेश ब्रेकआउट हुआ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में ब्रेकआउट हुआ। और अगले वीक भी देखिए फ्रेंड्स, क्लोजिंग ऊपर आ रही है, नीचे वॉल्यूम आ रहा। देखिए फ्रेंड्स, 68 ब्रेक होने वाला है फ्रेंड्स मंथली चार्ट पर। फ्रेंड्स, हमारा स्टॉप लॉस का लेवल, जो बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा तो वो तो ये रहेगा 250 रुपये, बट हमारा स्टॉप लॉस फ्रेंड्स हम यहाँ रखेंगे, ये रहेगा 290 रुपये के आसपास का, ये रहेगा हमारा स्टॉप लॉस का लेवल, क्योंकि हम 12 पीरियड के जो मूविंग एवरेज है फ्रेंड्स वो स्टॉप लॉस के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पहला जो टारगेट रहेगा वो टारगेट 600 रुपये, और उसके बाद के जो टारगेट हैं वो 750 और 800 रुपये तक के लेकर चल सकते हैं हम। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, चार्ट ऑफ द मंथ का तीसरा शेयर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, चार्ट ऑफ द मंथ का तीसरा शेयर रहेगा हमारा BHEL। देखिए फ्रेंड्स, कितने लंबे समय से एक डाउन ट्रेंड के अंदर है शेयर। ये थे फ्रेंड्स इसके 2011 के आसपास के जो हाइज थे, 280 रुपये के आसपास का प्राइस था, वहाँ से प्राइस ने गिरना शुरू किया फ्रेंड्स। देखिए कितनी अच्छी गिरावट हुई फ्रेंड्स यहाँ पे एक बार रिकवरी भी मारी थी 2013 के बाद फ्रेंड्स 14 के आसपास, लेकिन वापस से प्राइस नीचे गया।
फ्रेंड्स यहाँ भी नहीं रुका, उसके बाद भी फ्रेंड्स नीचे जाता रहा और ये लोज लगाए ने 14 रुपये के आसपास के, उन 14-15 रुपये के आसपास के लोज लगाए। उसके बाद प्राइस में आया रिवर्सल फ्रेंड्स, यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनाया, डब्लू पैटर्न बना के ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद फ्रेंड्स इसने एक तरफा रैली किया और 75 रुपीज़ तक के हाइस लगाए, वहाँ पर वापस से डबल टॉप बनाया और फिर करेक्शन आया थोड़ा। उसके बाद सपोर्ट लिया फ्रेंड्स इन्हें 40 रुपीज़ के आसपास आके प्राइस ने सपोर्ट लिया और यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम बनाया रहा फ्रेंड्स। अब देखिए एक राउंडिंग बॉटम बनाते हुए फ्रेश ब्रेकआउट कर रहा है इन लेवल का। ये जो लेवल है फ्रेंड्स लास्ट वाले जो हाइस थे इसके 2021 मई के, उनको ब्रेक करके प्राइस ऊपर निकल रहा है। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में नीचे वॉल्यूम धीरे धीरे बिल्डअप होना स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा जो स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा फ्रेंड्स ये 55 रुपये के आसपास, 55 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। और हमारे जो पहले टारगेट है वो 110 रुपये, उसके बाद के 180 रुपये और उसके बाद वाले 280 रुपये के आसपास के रहेंगे फ्रेंड्स टारगेट हमारे। फ्रेंड्स हम मंथली चार्ट देख रहे हैं तो हम इसमें इन्वेस्टिंग करेंगे और इन्वेस्टिंग के लिए फ्रेंड्स हम एक साल से ज़्यादा समय के लिए हम होल्ड करके रखते हैं फ्रेंड्स मिनिमम शेयर को। आगे चलते हैं फ्रेंड्स चार्ट ऑफ द मंथ का। फ्रेंड्स चौथा शेयर रहेगा हमारा भारत फोर्ज। देखिए फ्रेंड्स ये थे इसके 2018 के हाइस, वहाँ से प्राइस में करेक्शन आया था, करेक्शन में इसने ये लॉस लगाए, 230 रुपये के आसपास का प्राइस था। वहाँ से वी शेप में रिकवरी आई फ्रेंड्स और यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और फ्रेश ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, 490 रुपये के आसपास का प्राइस था फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए इसने जो लास्ट वाले हाइस थे 2018 के उनको वहाँ तक की रैली की और उसके बाद वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आया और वापस से फ्रेंड्स एक राउंडिंग बॉटम बनाते हुए बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में ब्रेकआउट कर रहा है। नीचे वॉल्यूम आ रहा है, RSI 60 ब्रेक हो चुका फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसे हम कप विद हैंडल पैटर्न भी कह सकते हैं, ये कप बना एक और ये एक हैंडल तैयार हुआ है, कप विद हैंडल पैटर्न कह सकते हैं फ्रेंड्स। इस कप विद हैंडल पैटर्न का फ्रेंड्स 770 रुपये के आसपास का प्राइस है, वहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। हमारा जो स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा फ्रेंड्स ये रहेगा 700 रुपये के आसपास, यहाँ पे हम रखेंगे स्टॉप लॉस का लेवल। और आगे के जो टारगेट हैं फ्रेंड्स वो हमने फिबोनाची डाली है हाई टू लो। फिबोनाची डालने के बाद फ्रेंड्स देखिए ये हमारे 1100 रुपये के आसपास के टारगेट, उसके बाद के फ्रेंड्स ये रहेंगे 1600 रुपये के आसपास के और उसके बाद के 2100 रुपये तक के हमारे आगे के टारगेट रहेंगे फ्रेंड्स ये। तो फ्रेंड्स ये था हमारा भारत फोर्ज चार्ट ऑफ द मंथ का चौथा शेयर। आगे चलते हैं फ्रेंड्स चार्ट ऑफ द मंथ का पांचवा शेयर देखते हैं जिसका नाम है बिरला केवल। फ्रेंड्स देखिए ये थे इसके 2018 के हाइस, जहां से प्राइस में करेक्शन आया था, करेक्शन में फ्रेंड्स इसने लो लगाए 30 रुपीज़ के आसपास के और वहां पे एक डब्लू पैटर्न बनाते हुए ब्रेकआउट हुआ था फ्रेंड्स। यहां पे हमने इसी ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे बाय किया था फ्रेंड्स ये 70 रुपीज़ के आसपास, हमारे बहुत सारे मेंबर्स के पास ये स्टॉक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ था स्टॉप लॉस का लेवल इसका हमारा पहला 50 रुपीज़ के आसपास, उसके बाद प्राइस ने बहुत अच्छा रन अप किया फ्रेंड्स, इसने 120 रुपये तक के हाइज लगाए थे, वापस से प्राइस नीचे आया फ्रेंड्स, वापस से प्राइस नीचे आया रिटेस्ट के लिए और फिर वापस से रन अप किया फ्रेंड्स। ये हमारे 75 के आसपास स्टॉप लॉस था फ्रेंड्स, टेल होकर यहाँ पर आया था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा रन अप करते हुए इसने 170 रुपये के आसपास के हाइज लगाए, हाई लगाने के बाद वापस से प्राइस नीचे आया और फिर वापस से हमारे 12 पीरियड मूविंग एवरेज पर आगे सपोर्ट ले रहा है प्राइस और फिर धीरे धीरे राउंडिंग बनाते हुए राउंडिंग बॉटम बनाते हुए फ्रेंड्स प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे धीरे धीरे वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है फ्रेंड्स। RSI 60 अगेन ब्रेक होने वाला है फ्रेंड्स, जब ये वाला लेवल ब्रेक करके और निकलेगा 160 रुपीज़ के आसपास के, हम इसमें और भी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं अपने। और पहला हमारा जो टारगेट रहेगा ये 200 रुपये के आसपास का और उसके बाद के जो होंगे फ्रेंड्स वो 250 रुपये और 300 रुपये तक के हम आगे के टारगेट लेके चल सकते हैं फ्रेंड्स। हमारा जो स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा 110 रुपये के आसपास, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स आगे चलते हैं चार्ट ऑफ द मंथ का अगला शेयर देखते हैं जिसका नाम है कॉनकोर। तो चार्ट ऑफ द मंथ का अगला शेयर रहेगा फ्रेंड्स कंटेनर कॉरपोरेशन, कॉनकोर के नाम से फेमस है फ्रेंड्स ये। देखिए फ्रेंड्स ये थे इसके 2019 के हाइज थे, 600 रुपये के आसपास का प्राइस था, वहाँ से प्राइस में गिरावट आई थी। गिरावट के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक डब्लू पैटर्न बनाया था,
मंथली चार्ट पर डब्लू बनाया था फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट हुआ था, 440 रुपये के आसपास का प्राइस था। उसके बाद एक तरफा रैली करते फ्रेंड्स इसने, जो इसका रेजिस्टेंस जोन थे लास्ट हाई से उनको ब्रेक करके प्राइस ऊपर निकला, और प्राइस ऊपर निकलने के बाद ऊपर ही सस्टेन करता रहा काफ़ी लंबे समय से। देखिए फ्रेंड्स यहीं पर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था, ये थे मई 2021 जून 2021 के आसपास के। और उसके बाद अब देखिए फ्रेंड्स ये 22 जुलाई के आसपास इसने ब्रेकआउट किया, पूरे एक साल के बाद इसने ब्रेकआउट किया फ्रेंड्स इस रेंज का। ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ऊपर सस्टेन कर रहा है फ्रेंड्स, अब नीचे वॉल्यूम भी आ रहा है, RSI 60 ब्रेक हो चुका है मंथली चार्ट पर। और फ्रेंड्स देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में ब्रेकआउट हुआ है हमारा। फ्रेंड्स स्टॉप लॉस का लेवल पहले ही 600 रुपये के आसपास था, बट अब जो रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा 700 रुपये के आसपास का, 700 रुपये के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस का लेवल अब रहेगा फ्रेंड्स। और हमारे जो टारगेट रहेंगे वो टारगेट रहेंगे 850 रुपये, 950 रुपये, और उसके बाद के रहेंगे फ्रेंड्स 1000 रुपये तक के, ये हमारे टारगेट रहेंगे फ्रेंड्स, दो होल्ड करके चलेंगे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स चार्ट ऑफ द मंथ का छठा शेयर देखते हैं, जिसका नाम है HPL। चार्ट ऑफ द मंथ का अगला शेयर देखते हैं फ्रेंड्स, जिसका नाम है HPL इलेक्ट्रिक पावर। देखिए फ्रेंड्स ये थे इसके लिस्टिंग डेट, लिस्टिंग डेट के बाद प्राइस नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया फ्रेंड्स, ये लोअर टॉप बनाया, लोअर टॉप बना के नीचे आया प्राइस। देखिए फ्रेंड्स उसके बाद लोव्स लगाए ने 20 रुपीज़ के आसपास के, और यहाँ पे एक धीरे धीरे क्राउंडिंग बॉटम बनाते हुए ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, और ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ने 90 रुपीज़ तक के हाइज लगाए, वापस से प्राइस कंसोलिडेशन पीरियड में गया, और धीरे धीरे एक फिर से राउंडिंग बॉटम बनाया। अभी राउंडिंग बॉटम बनाते हुए फ्रेंड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में ब्रेकआउट हो रहा है, नीचे वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है फ्रेंड्स, और RSI 60 ब्रेक हो चुका है हमारा फ्रेंड्स। हमारा स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा 70 रुपीज़ के आसपास, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे अपना 70 रुपीज़ के आसपास। और हमारा जो पहला टारगेट रहेगा फ्रेंड्स वो टारगेट रहेगा 150 रुपये के आसपास के हमारे टारगेट रहेंगे फ्रेंड्स। और जब ये ब्रेक करके निकलेगा फ्रेंड्स ये पूरा कप तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद के टारगेट फ्रेंड्स हम अगेन इसमें रेंज के हिसाब से, इस रेंज के हिसाब से फ्रेंड्स हम इसमें अपडेट करेंगे अपने टारगेट्स। आगे चलते हैं फ्रेंड्स चार्ट ऑफ द मंथ का अगला शेयर देखते हैं, जिसका नाम है IIFL फाइनेंस। फाइनेंस की बहुत अच्छी कंपनी है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये थे इसके 2018 के हाइस, उसके बाद प्राइस में कंटिन्यू लोअर टॉप्स लोअर बॉटम बनाते हुए नीचे आया फ्रेंड्स, और लोज लगाए ने 65 रुपीज़ के आसपास के ये लोज लगाए, और यहाँ पे एक प्राइस कंसोलिडेट किया, फ्रेश ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा रनअप किया इसने, बहुत अच्छा रनअप करते हुए प्राइस ऊपर ही जा रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स हायर बॉटम से बनते हुए प्राइस ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे प्राइस बहुत ही धीरे धीरे मूव कर रहा है प्राइस यहाँ पे फ्रेंड्स। और इसके जो लास्ट हाइज थे फ्रेंड्स ये 2018 के आसपास के, उनको ब्रेक कर दिया फ्रेंड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में, ये मंथली चार्ट पे ब्रेक कर रहा है फ्रेंड्स। और देखिए वॉल्यूम भी आ रहा है धीरे धीरे, RSI 60 पर ही है फ्रेंड्स। हमारा जो स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा वो स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा 330 रुपये के आसपास का प्राइस रहेगा, और आगे के जो टारगेट हैं फ्रेंड्स वो 550, 850 और 1150 ये टारगेट रहेंगे फ्रेंड्स, ये 550, 850 और 1150 फ्रेंड्स बहुत बड़े बड़े टारगेट हैं इसके, बहुत ही अच्छी कंपनी है फ्रेंड्स। इसके रिजल्ट भी अच्छे आए हैं इस क्वार्टर में भी। तो फ्रेंड्स ये तो हमारे चार्ट ऑफ द मंथ के सभी शेयर थे, बाकी फ्रेंड्स हम ओवरव्यू लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये है निपन इंडिया ETF PSU बैंकों का फ्रेंड्स ETF है फ्रेंड्स, हम मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट आ चुका है, तो फ्रेंड्स हम रिकमेंड कर रहे हैं कि इसमें फ्रेंड्स इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें डेली, हर मंथली इसमें फ्रेंड्स SIP में पैसा डालो या कैसे भी डालो फ्रेंड्स, इसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि फ्रेंड्स जो PSU बैंक है उनका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, और मंथली चार्ट पे सभी चार्ट के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है जितने भी हमारे PSU बैंक है, जैसे बड़ौदा था और कैन बैंक है, SBI है, और फ्रेंड्स उसके बाद PNB भी धीरे धीरे मूव करने वाला कर रहा है फ्रेंड्स, ब्रेकआउट आने वाला उसके अंदर भी। तो फ्रेंड्स हम कहेंगे कि आप सभी बैंक तो बाय नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको एक PSU बैंकों का ETF है ये बाय करके रखना चाहिए फ्रेंड्स, इसमें अच्छी क्वांटिटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसका स्टॉप लॉस का लेवल हमारा ये रहेगा 26 रुपीज़ के आसपास, और अगर आप अभी बाय कर रहे हैं पहले की आपकी बाइंग नहीं है तो फ्रेंड्स हम यहाँ 30 रुपीज़ के आसपास भी इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और फ्रेंड्स पहला जो टारगेट रहेगा वो 50 रुपीज़ के आसपास होगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे चार्ट ऑफ द मंथ के शेयर, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो
तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।